Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine. In the last video lecture, we have discussed exercise 2.1 and also its basic concepts. So today we will discuss exercise 2.2. Today we will discuss its only two questions, question number 1 and question number 2. So let us see what is the statement of question number 1. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equals to 0, at x is equals to minus 1, at x is equals to 2. ये एक polynomial आपको दी हुई है बेटा, इसकी आपको value निकालनी है. किसके ऊपर? अगर x point की value 0 हो तो इस polynomial की value क्या होगी, और अगर x की value minus 1 हो तब इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और इसी तरह अगर x की वैल्यू 2 हो तब इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी. तो हम बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं. जैसे x की वैल्यू कितनी है, 0, तो हम इसमें रिप्लेस करेंगे 5, x की जगह पर हमने क्या लगाना है, 0. ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वैल्यू रिप्लेस करें तो ब्रैकेट का यूज जरूर करना है. ऐसे ही -4, फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे 0 और ऊपर जो पावर 2 है वो एज इट इज आएगी. ठीक है, आगे है +3, राइट. अब 5 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 0. -4, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 into 0, मतलब कि कितना आएगा, 0. तो यहां पर भी आ गया 0 एंड +3, तो ये हुआ 0. 4 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना. आगे +3, तो कितना आंसर आएगा बेटा, 3. सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर. नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट. 5, अब की बार x की जगह क्या रिप्लेस करना है, -1. सो -1, -4, -1 का स्क्वायर +3. सो 5 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, -5. This is -4, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, राइट. आगे +3, सो -5 प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 एंड +3, 5 एंड 4 कितना होगा, 9 +3, -9 + 3, what is the answer, -6, right. Third part देखते हैं, x की value कितनी है, 2. So 5 into 2 -4, 2 square +3, 5 2's are 10. अब 2 का square कितना होगा, 2 into 2 means 4 +3, 10 as it is, 4 4's are 16 +3, 10 minus 16, minus 6, +3, तो कितना आंसर आया, -3. तो इस तरह से हम पॉलीनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं. Now let's come to the second question. Now this is the next question, question number 2. The statement is find P0, P1 and P2. इसका मतलब क्या है, पॉलीनोमियल की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, 0 पे. पॉलीनोमियल की वैल्यू किस पॉइंट पे, 1 पे, और यहां किस पॉइंट पे, 2 पे. किस पॉलीनोमियल की, इस पॉलीनोमियल की. आई एम डिस्कसिंग विद यू सेकंड पार्ट. सो pt, हम सबसे पहले p0 निकालते हैं, मींस हमें t की जगह पर क्या लगाना है, 0. सो दिस इज 2 +0 +2 into 0 स्क्वायर into 0 क्यूब. सो दिस इज 2 +0 +2, 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0, और 0 का क्यूब भी कितना होगा, 0. सो दिस इज 2 +0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 0 एंड -0, तो ये सारे ही जीरोस हैं, तो आंसर कितना आ गया, 2. दिस इज फर्स्ट पार्ट. नाउ वी विल डिस्कस p1, कि अगर हम इस पॉलीनोमियल में t को 1 रिप्लेस करें तो क्या आंसर आएगा, 2 +1 +2, 1 square minus 1 cube. So 2 +1 + 2. अब 1 का square क्या होता है, 1 into 1, मतलब कि 1 ही आएगा.
वन का क्यूब क्या होता है, वन को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, कितना आएगा, वन ही आएगा. सो टू प्लस वन, टू वन जा टू एंड माइनस वन, तो टू प्लस वन कितना हुआ थ्री, थ्री प्लस टू कितना हुआ फाइव, और आगे है माइनस वन, तो कितना आंसर आएगा फोर, राइट. नाउ नेक्स्ट पी टू, पी टू निकालना है तो पुट करते हैं वैल्यू, टू प्लस टू प्लस टू, टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब. सो टू प्लस टू प्लस टू, टू का स्क्वायर मीन्स टू इंटू टू कितना हो गया फोर, टू का क्यूब मतलब टू इंटू टू इंटू टू मतलब कि कितना हुआ एट. सो टू प्लस टू, फोर टू जा एट माइनस एट, प्लस एट से माइनस एट कैंसिल, सो टू प्लस टू कितना आ गया फोर, दिस इज द आंसर, राइट. नाउ वी विल डिस्कस वन मोर पार्ट, दिस इज सेकेंड फोर्थ पार्ट. पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक ब्रैकेट में है, नेक्स्ट ब्रैकेट में है एक्स प्लस वन, और स्टेटमेंट यही है, आपको पी जीरो पी वन एंड पी टू फाइंड आउट करना है. एक्स को लीजिए जीरो, दिस इज जीरो माइनस वन एंड जीरो प्लस वन, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, सो दैट इज माइनस वन, यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस वन. अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पता भी है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस एंड वन वन जा वन, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ पी जीरो, राइट. अब इसी में हम कुछ करेंगे पी वन, पी वन निकालेंगे, वन माइनस वन एंड वन प्लस वन, वन माइनस वन कितना होगा जीरो, और वन प्लस वन कितना होगा टू, तो टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा जीरो, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो आंसर कितना होता है बेटा जीरो. नाउ नेक्स्ट इसमें हमने क्या रिप्लेस करना है टू, सो दिस इज टू माइनस वन एंड टू प्लस वन, टू माइनस वन कितना होगा वन एंड टू प्लस वन कितना होगा थ्री, तो थ्री को वन से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा थ्री, राइट. सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर वन एंड टू, सो एंड दिस इज योर होमवर्क ऑल्सो, डू क्वेश्चन नंबर वन एंड टू ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इन योर मैथ्स नोटबुक. आई एम सेंडिंग अ PDF ऑल्सो, यू कैन सी सॉल्यूशंस इन दैट ऑल्सो. So take care, do your work properly and bye-bye.